और तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम 15 अगस्त पर कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखने वाले हैं, वो भी पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। तो क्या आप भी मेरी तरह ऐसा 15 अगस्त वाला फोटो बनाना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना पड़ेगा, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तब डायरेक्टली उसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे टच करना है, फिर आपको जाना पड़ेगा एडिट फोटोज पे। यहाँ पर आने के बाद आपको एक बैकग्राउंड को ऐड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपको थोड़ा साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ऐड फोटोज पे टच करना है, और यहाँ से आपको अपने फोटोज़ को ऐड कर लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ। तब देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है, और मैंने इसका ऑलरेडी बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया था। तो आपको भी पहले अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देना पड़ेगा। इसके बाद आपको थोड़ा फोटो को जूम करके यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको स्टिकर वाले पे टच करना है, फिर आपको यहाँ पर चर्च वाले आइकन पे टच करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको शेडो को सर्च करना पड़ेगा। तब देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे शेडो आ चुके हैं। इनमें से आपको इस वाले शेडो को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद इसको थोड़ा छोटा करना है, फिर आपको यहाँ पर अपने पैर पे इसको सेट कर देना है कुछ इस प्रकार से। फिर आपको यहाँ पर बॉक्स वाले पे जाना है और यहाँ से इसको मूव टू डाउन कर देना है, तो अपने पैरों के नीचे ये आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे जाना है, फिर आपको स्टिकर वाले पे जाना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इस वाले बर्ड को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको फिर से स्टिकर वाले पे जाना है, यहाँ से थोड़ा आपको बैक लेना है, फिर आपको चर्च वाले पे जाना है, और यहाँ से आपको 15 अगस्त को चर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कितने सारे पीएनजीज दिख रहे हैं, इनमें से आप चाहो तो कोई सा भी पीएनजी को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। इसको थोड़ा जूम करके उस इस प्रकार से यहाँ पर इसको सेट कर दे रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे टच करना है, फिर आपको स्टिकर वाले पे जाना है। यहाँ से आपको और एक लोगो को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले लोगो को ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा छोटा पकड़ना है और यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से स्टिकर वाले पे जाना है, थोड़ा बैक लेना है। यहाँ पर आपको फिर से चर्च वाले पे जाना है, यहाँ से आपको तिरंगा को चर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने सारे तिरंगा आ चुके हैं, इनमें से आपको यह फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है, और इसको थोड़ा छोटा करना है, और अपने फोटोज़ को थोड़ा जूम करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करके ऐसे टेढ़ा करके इसको यहाँ पर अपने गाल पर इसको सेट कर देना है। इतना हो जाने के बाद इसकी ओपिसिटी को थोड़ा कम कर देना है, फिर आपको प्लस वाले पे टच करना है, फिर आपको स्टिकर पे जाना पड़ेगा, और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको ये और भी एक तिरंगा को ऐड करना है। तो आपको इस वाले तिरंगा को ऐड कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर फ्लिप और रोटेट का आइकन दिख रहा है, इस पर टच करना है और इसको फ्लिप कर देना है। इसके बाद इसको थोड़ा छोटा करना है और अपने फोटोज़ को थोड़ा जूम कर लेना है, और इसको यहाँ पर अपने शर्ट पर इसको एकदम सही से अप्लाई कर देना है, जैसे मैं अभी अप्लाई कर दे रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्लेंड का एक आइकन दिख रहा है, इस पर टच करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको इरेज़ वाले आइकन पर टच करना है, फिर इसको इन्वर्ट कर देना है, फिर रिस्टोर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा देना है, फिर आपको फोटो को जूम करके अपने शर्ट पर इसको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक हमारा फोटोज पर यह तिरंगा ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट वाले पे टच कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से राइट वाले पे टच कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको टूल्स पे जाना है, यहाँ से एडजस्ट पे जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है,
क्लियरिटी को भी थोड़ा बढ़ा दो, इसके बाद सैचुरेशन को भी थोड़ा बढ़ा दो। इतना हो जाने के बाद आपको हाईलाइट पे आना है और हाईलाइट को थोड़ा कम कर देना है, शेडो पे आना है शेडो को थोड़ा बढ़ा देना है, फिर टेम्परेचर पे आना है टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको राइट वाले पे टच कर देना है, फिर आपको टूल्स वाले पे जाना है, यहाँ पर एडजस्ट, फिर यहाँ पर आपको ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम करना है और यहाँ पर सैचुरेशन को भी थोड़ा कम कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको इरेज वाले पे टच करना है और यहाँ से इसको इन्वर्ट कर देना है, फिर रिस्टोर पे जाना है, हार्डनेस को यहाँ पर आपको थोड़ा बढ़ा देना है, फिर फोटो को जूम करना है और अपने फेस पर इसको अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो हमारा फेस एकदम बढ़िया तरीके से वाइट हो जा रहा है। इतना हो जाने के बाद आपको राइट वाले पे टच कर देना है, फिर से राइट वाले पे टच कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा फोटो एडिट होकर तैयार हो चुका है। अब इसको सेव करना है तो थोड़ा साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ड्रॉ वाले पे जाना है, यहाँ पर आपको ट्रिपल डॉट दिख रहे हैं, ट्रिपल डॉट पे टच करना है और यहाँ से आपको सेव इमेज पे टच कर देना है। तो हमारा फोटो सेव होना स्टार्ट हो चुका है और सेव भी हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, और ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड नई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।